बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी लोग कंप्यूटर सीख सकते हैं, काफ़ी आसान है आज की डेट में। ठीक है, आज हम सीखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, सीपीयू का फ्रंट पैनल, कौन कौन सी बटने होती हैं सामने और उसके अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लो भाई देखो, ये है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू में देखो सबसे पहले ये डीवीडी राइटर लगा हुआ है, गोल वाली सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क लगाओ, डिस्क रखी ना वहाँ पे गोल वाली, लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। ये आजकल डिस्क डीवीडी राइटर जो है सभी कंप्यूटर में नहीं आता, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, पेन ड्राइव वाला सिस्टम आ गया है। पहले के समय पर देखो ये आता था, ये वाला सीडी प्ले करने के लिए, किसी के शादी का सीडी है इसमें डाले, कॉपी करके कंप्यूटर में रख लिया, उसको पेन ड्राइव में डाल के उसको दे दिया। ठीक है, तो ये डीवीडी राइटर होता है जिसमें इस तरह के सीडी चलते हैं। ठीक है, इस तरह के। और दूसरा चीज है, ये लैपटॉप में भी होता है, साइड की तरफ यहाँ पर, यहाँ इस प्लेट पर साइड में लगा होता है। ठीक है, और अगर नहीं है, जैसे आज के चलन में ये चीजें नहीं आती, तो इसके लिए एक्सटर्नल डीवीडी राइटर आता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। ठीक है, सीपीयू किसी दूसरे सरफेस पे रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पूरा जूम करके दिखा नहीं पा रहे हैं, तो अभी इसका स्थान चेंज करते हैं और फिर आपको बताते हैं। डीवीडी राइटर का पोर्ट है, यहाँ से हम इसको दबाएंगे, ये बाहर आ जाएगा, उस पर सीडी लगा कर वापस इसको दबाएंगे, ये अंदर चला जाएगा सीडी। उसके बाद हम इसके अंदर जो सीडी या डीवीडी के अंदर जो भी हमारा गाना वीडियो पड़ा हो उसको हम अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं, या कॉपी करके पेन ड्राइव में डाल करके भी हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक सिंगल स्विच मिल जाता है, ये जब कंप्यूटर हैंग वगैरह हो जाता है या कहीं पे कुछ फंस जाता है तो हम इसको रीस्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर सामने दो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पर हमको हेडफोन अटैच करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और ये माइक अटैच करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ये हमारा पावर बटन है जिससे हम अपने सीपीयू को स्टार्ट या स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्विच बटन दिया हुआ है, तो ये चीज़ है। मैं आपको डीवीडी राइटर दिखा देता हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप ज़रूरत पड़े तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये इस तरीके से कुछ डीवीडी राइटर होता है, इसके पीछे साइड एक वायर होता है, इस वायर का दूसरा जो छोर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए इसमें दो ठो वो होते हैं, दो यूएसबी पोर्ट होते हैं, ये देखिए, इसको हम दोनों को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये डीवीडी राइटर कुछ एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसको पावर मिल जाएगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही इसको पावर मिलेगी इस तरह से कनेक्ट करने के बाद, उसकी सामने की ये जो ग्रीन लाइट, यहाँ सर ये सॉरी ये जो लाइट है, ग्रीन लाइट इसकी जलने लगेगी। ठीक है, ये ग्रीन लाइट इसकी जलने लगेगी। इसके बगल में एक स्विच बटन, ये बटन दिया हुआ है, इसको जैसे हम प्रेस करेंगे ये बाहर आ जाएगा, तो इसमें हम सीडी लगा सकते हैं और इसको फिर ऐसे हाथ से प्रेस करके वापस अंदर बंद कर सकते हैं, और इसके बाद इसके सीडी को हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, वीडियो सॉन्ग सुन सकते हैं वगैरह वगैरह। अब इसको हम वापस से निकाल के अनप्लग कर देते हैं और इसके अंदर की चीज़ों को जानेंगे। पीछे का पोर्ट तो मैंने पिछली वीडियो पे भी आपको बता चुका है, ये पीछे का पोर्ट देखिए, सारी कनेक्टिविटीज होती है, मैं निकाल दिया हूँ। ये SMPS हमारा दिया गया है, ये यहाँ पर देखिए SMPS दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने अभी इसका ये कनेक्शन निकाल दिया, देखिए ये, और ये VGA पोर्ट का भी कनेक्शन निकाल दिया है। इसका कनेक्शन लगाते और निकालते समय ये ध्यान रखना है कि इसकी देखिए चौड़ाई एक साइड से कम होती है, एक साइड से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर देखिए पिन, कुछ नुकीले पिन दिख रहे हैं, इनको पिनों को मिला करके ही लगाना है, अगर उल्टा लगाएंगे तो एक चीज़ तो ये घुसेगा नहीं, ज़बरदस्ती करेंगे तो टूट जाएंगे ये पिन, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें कि यदि आप PC के कनेक्शन यदि करने जा रहे हैं तो उसका ये चीज़ का ध्यान रखें कि प्लग को आपको वापस से अच्छे से मिला करके देख सुन करके लगाना है। ठीक है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। तो ये पीछे का पैनल दिया गया है, इसमें अलग से USB पोर्ट भी दिए गए हैं जिसमें हमारा ये माउस और कीबोर्ड के दोनों पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं जो पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने फ्रंट इसका सेट हमारा जो है ये मदरबोर्ड का पोर्शन है हमारा। ठीक है, तो इस सेट से हम नहीं खोलेंगे, उस सेट का ढक्कन ये खोलेंगे जो कि खुल चुका है, क्योंकि ये इस तरह का लगा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर ये स्क्रू लगा हुआ था, ये देखिए ये स्क्रू लगा हुआ था, पास से दिखा देता हूँ ये मैंने, और कई इसमें एक इस तरह से, ठीक है, इस तरह से धक्का मारेंगे तो ढक्कन आपका निकल जाएगा, देखिए ढक्कन निकल चुका है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। देखिए ये यहाँ पर मैंने इस पर थोड़ा टार्च मार दिया, ये कॉमोस बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए मैं उंगली से दिखा रहा हूँ आपको, ये सेल है छोटा सा, 10 रुपये का मार्केट में आ जाता है, मैं दिखा देता हूँ आपको निकाल करके भी, ये इस तरह का। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, टाइम और डेट बिगड़ जाती है। अगर ये ख़त्म हो गया तो आपके सिस्टम का टाइम डेट बिगड़ जाएगा, और जब भी आप इसको चालू करेंगे सिस्टम को, बिगड़ा हुआ टाइम नज़र आएगा, जिससे आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं चलेगा अगर टाइम डेट गलत है तो। ठीक है, उसको करेक्ट करेंगे तभी इंटरनेट चलेगा। फिर करेक्ट तो कर लिया वन टाइम, फिर दूसरी बार बंद करके चालू करेंगे तो फिर टाइम बिगड़ जाएगा, वो होता है सेल ख़राब हो जाने की वजह से। ठीक है, तो सेल ख़त्म हो जाने की वजह से ऐसा होता है कि सेल को चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर आपको बार बार टाइम डेट सेट नहीं करना पड़ेगा, एक बार सेट कर देंगे तो वो चलता रहेगा। ठीक है, बाद में चालू करके बंद भी करेंगे, बंद करके चालू भी करेंगे तो भी आपका डेट और टाइम कैरी करता रहेगा। ठीक है, ये हमारा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, हार्ड डिस्क में देखिए यहाँ पर गोल्डन पॉइंट पर कनेक्शन दिया गया है, और मैं अलग से एक हार्ड डिस्क रखा हुआ हूँ दिखाने के लिए। इसके गोल्डन पॉइंट में एक पावर का लगा हुआ है, एक सिग्नल के लिए दो प्लग लगे हुए हैं। ठीक है, सारी चीज़ों का कनेक्शन आपके मदरबोर्ड पे होता है। ठीक, यहाँ पर ये रैम होता है, देखिए ये रैम लगा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है, ये पतला सा, ये रैम हटाओ, ये रैम लगा हुआ है। ठीक है, ये रैम लगा हुआ है, लंबा सा होता है, इसका शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा आपको इस चैनल पर, तो देख सकते हैं ये रैम लगा हुआ है। फिर यहाँ पर ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये ऊपर प्रोसेसर लगा हुआ है, अंदर इसके एक हीट सिंक लगा हुआ है जो कि एलुमिनियम का है, उसके नीचे प्रोसेसर है। ठीक है, और ये हमारा पावर कनेक्शन है, देखिए इतनी सारी वायरें इसमें लगी हुई हैं, और इससे आउट होकर के ये मदरबोर्ड में, ये कहाँ से आया है, SMPS से आया है, ये SMPS लगा हुआ है, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट, यहाँ से सारा करंट निकलता है जो कि अलग अलग वोल्टेज में निकलता है, और इस यहाँ पर जाके कनेक्ट होता है, और इससे अलग अलग पूरे मदरबोर्ड में करंट जाता है, जिसको जितने वोल्टेज चाहिए उसके वोल्टेज के हिसाब से। अच्छा, वोल्टेज का अगर मेजरमेंट बिगड़ता है तो उससे आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है, इसलिए जिस डिवाइस को, जिस कंपोनेंट को जितने वोल्टेज चाहिए उतने वोल्टेज पास करना ही SMPS का काम होता है। ठीक है, ये मैंने हार्ड डिस्क एक निकाल ली है, इसमें देखिए ये Seagate की हार्ड डिस्क है, इसमें GB वगैरह सब लिखा होता है, 250 GB का हार्ड डिस्क है ये, और इसमें देखिए ये अंदर CD होता है एक चमकीला सा, और इसमें देखिए ये पीछे जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ना गोल्डन कलर के, इसमें एक तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर पावर का कनेक्शन देते हैं, और यहाँ पर सिग्नल का, और इसका एक वायर का एक सिरा इसमें कनेक्ट होता है इन दोनों में, और मतलब दो वायर का कनेक्शन होता है, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, और दोनों जा कर के मदरबोर्ड से जुड़ेंगी। ठीक है, तो एक करंट देने का काम करेगा, दूसरा सिग्नल देने का। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क का कुछ इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, कई बार इन गोल्डन पॉइंट्स पे आपका कार्बन जम जाने की वजह से भी ये दिक्कत आती है, तो इसको वॉश करके पेट्रोल वगैरह से एजा से घिस करके लगा करके सही हो जाता है। ठीक है, मैं खाना चाह रहा था तो वहाँ उतना अच्छा दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने कंप्यूटर पे खोल दिया। ये रैम कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, मदरबोर्ड में कोई भी एक रैम खोल देता हूँ मैं, ये इसमें डबल रैम दी हुई है। ठीक है, ये देखिए डबल रैम, इसमें ये जो खांचा बना हुआ है ना, ये खांचा ये जो बना हुआ है बीच में, और ये देखिए गोल्डन पॉइंट, कई बार ये गोल्डन पॉइंट में कार्बन जम जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर में नो सिग्नल जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर डिस्प्ले नहीं देता। ठीक है, तो कई प्रॉब्लम आती हैं, इसको साफ करके आप एक बार लगा करके देखेंगे तो शायद प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है इसमें। और ये रैम भी लगाने का देखिए खांचा बना हुआ, अगर आप उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए ये खांचा मिला करके आपको सिस्टम में जो आपका मदरबोर्ड है उसमें आपको इसको प्लग करना है। दोनों साइड से दो हुक होते हैं, जैसे ही आप इसको ताकत से प्रेस करेंगे हुक इसमें लॉक हो जाएगा दोनों साइड पर। ठीक है, ये दोनों साइड पर देखिए दो दो गोल आकृति के खांचे बने हुए, इसमें ये हुक फंस जाएगा जैसे ही इसको आप ताकत से थोड़ा प्रेस करेंगे। और निकालने का प्रोसेस क्या है, दोनों साइड से हुकों को ढीला बाहर की साइड खींच देंगे और इसको निकाल लेंगे तो निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये रैम होता है। इन गोल्डन पॉइंट्स को साफ करने का तरीका ये है कि आप जो इरेजर होती है, जो पेंसिल मिटाने वाली रबड़ होती है, उससे आप इसको घिस सकते हैं, या पेट्रोल से भी इसको आप साफ कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप ये कर सकते हैं। तो ये रैम कुछ इस तरह की होती है। तो ये CPU हमने पैक कर देते हैं, पैक करके हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रॉपर सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कंप्यूटर प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो कोई मतलब इस तरह से हमने आपको डिटेल बताई CPU के अंदर जो भी डिटेल होती है। कंप्लीट हार्डवेयर पे भी हमने कई वीडियो बनाए हैं, इसमें चैनल पे आपको मिल जाएंगे, कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँ आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, CPU के बारे में, जिसका हार्डवेयर काम करता है, जो चीज़ें अंदर लगी हुई थी उसके बारे में। ठीक है।